अमेरिका चुनाव 2019 के तहत आज उपाध्यक्ष का चुनाव है। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए थोड़ी देर में बैठक यहां पर होगी और सुबह 11 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना यहां पर होगी और इसके बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। यानी आज जो उपाध्यक्ष का चुनाव है उसे लेकर पूरी तरीके से तैयारियां जो हैं वो कर ली गई है। कल निकाय के जो मुखिया हैं उन्हें चुना गया था, जहां पर कांग्रेस जो है पूरी तरीके से भारी पड़ती हुई बीजेपी पर नजर आई थी। वही किस तरीके की आज तैयारियां इसे लेकर जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रौनक है हमारे साथ यहां पर बीकानेर से। हमारे साथ अविनाश जगनावत जुड़ रहे हैं उदयपुर से, मुकेश सोनिया हमारे साथ कोटा से, और साथ ही अशोक भाटी हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके की तैयारियां आज के दिन। सबसे पहले रौनक आपके पास मैं यहां पर आ रहा हूं कि बीकानेर की अगर हम यहां पर बात करें आज के दिन को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, और क्योंकि हमने कल भी देखा कि पूरी गहमा गहमी जो है मुखिया जब निकाय के चुने जाने थे तो पूरी तरीके से पार्टियां पूरी एक्टिव थी, लेकिन उपाध्यक्ष का आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है और कब से जो है प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल सुमित, सबसे पहले मैं जी मीडिया पे एक बड़ी खबर दे दूं कि बीकानेर में बीजेपी की तरफ से राजेंद्र पवार जो है उन्हें उप महापौर के लिए जो है वो तमाम पार्षदों ने मिलकर जो है सहमति जो है सामने रखी है। जी मीडिया को जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वो ये कि लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि किशोर आचार्य और जो दूसरे नाम है वो लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन सबसे पहले जो अंदर की खबर जो हमारे पास है सूत्रों के हवाले से वो ये कि राजेंद्र पवार जो है उन्हें उप जो महापौर है उसके लिए यहां पर नामांकन जो है कुछ देर में दाखिल करवाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं, चूंकि अब 10 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है, दोनों पार्टियां जो है उनके जो उम्मीदवार है वो कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे, नामांकन जो है वो भरे जाएंगे। यानी 11:30 बजे तक नामांकन होगा, उसके बाद 2 बजे तक नामांकन जो है वो वापस भी लिए जा सकते हैं। इन तमाम चीजों के बीच अब जिस तरह की खबरें आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से उप महापौर के लिए जावेद परिहार जो है उनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन चूंकि बीजेपी की तरफ से ऐसी खबरें हैं कि मोहर जो उन्होंने लगा दी है कि उनके महापौर के उम्मीदवार कौन होंगे, जिस तरह से कल का परिणाम जो आया था महापौर को लेकर के, उसके बाद जो आज की खबर है वो ये है कि कल जिस तरह से मेयर और बोर्ड जो बीजेपी का बना, तो आज भी उप महापौर जो है वो बीजेपी का बन सकता है जिस तरह की खबरें लगातार आ रही है। तो इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि राजेंद्र पवार का नाम जो है वो उम्मीदवार के तौर पर फाइनल किया गया है, ये सबसे बड़ी खबर है। उसके पीछे मैं दिखा दूं अभी जो यहां का नजारा है वो मैं दिखा दूं, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, तमाम पुलिस और यहां पर जो निर्वाचन विभाग है उनकी तरफ से तैयारियां जो है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां पर जो आने जाने वाले तमाम लोग हैं उनकी चेकिंग करके उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि देखिए आज थोड़ी सर्दी ज्यादा है, इस वजह से लोगों का आने का सिलसिला जो है वो थोड़ा सा धीरा है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट यहां अंदर पहुंच चुके हैं। दूसरी अगर बात की जाए बीजेपी कुछ ही देर में अपने कैंडिडेट के साथ यहां पर मौजूद रहेंगी। बिल्कुल, यहां सब जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि बीजेपी की तस्वीर जैसी कल थी बीकानेर में कम से कम वैसी एक बार फिर से नजर आएगी। रौनक बने रहे हमारे साथ। अविनाश, उदयपुर की क्या कुछ स्थिति है, उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर आज किस तरीके की तैयारियां? देखिए जिस तरह से उपमहापौर के प्रत्याशी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कशमकश चल रही थी वो आज सुबह खत्म हुई, और जो पारस सिंह भी है जो लगातार तीसरी बार नगर निगम उदयपुर में पहुंचे हैं और 5 बार अभी तक वो नगर निगम में पहुंच चुके हैं और उनके नाम पर आम सहमति बनी है। 10 बजे बैठक होने वाली थी, होनी शुरू हो रही थी ये जो प्रोटोकॉल रहता उसमें, लेकिन ना ही बीजेपी के और ना ही कांग्रेस के पार्षद उस बैठक में पहुंचे। लेकिन जो नगर निगम के बाहर का नजारा है वो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली कहें या उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा कहें, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जो जिन का नाम घोषित किया गया है उपमहापौर के लिए पारस सिंह, उनके समर्थक और प्रस्तावक भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और जो निर्धारित समय है 11 बजे नामांकन दाखिल करने का, उस निर्धारित समय पे यहाँ पे नामांकन जो है भाजपा की ओर से पारस सिंह दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही अपना प्रत्याशी जो है शंकर चंदेल, जो कि युवा प्रत्याशी महापौर माफ कीजिएगा पार्षद के रूप में नगर निगम में पहली बार पहुंचे हैं। हालांकि ये चुनाव भी कल के जो महापौर के चुनाव परिणाम आए थे उसको लेकर एक महज
औपचारिकता ही रहेगी अगर कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाता है, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी को अपने निर्धारित जो पार्षद थे 44 से 2 वोट ज्यादा मिले और कांग्रेस महज 20 वोट जो उनके पार्षद थे वही प्राप्त कर सकी और जो निर्दलीय पार्षद जीत के आए थे उनको भी अपने साथ नहीं जोड़ पाई। तो ऐसे में अगर दोनों ही पार्टियों की ओर से नामांकन दाखिल किया जाता है तो मतदान की प्रक्रिया संभावना यही जताई जा रही कि एक महज औपचारिकता होगी और उपमहापौर पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो पारस सिंघवी है जिनका कि आज सुबह नाम घोषित किया गया है वो उनका उपमहापौर यहाँ पे बनना तय है जी। तो यानी कि जो फॉर्मेलिटीज है वही कहीं ना कहीं यहाँ पर कही जाएंगी और जिस तरह की तस्वीर बीकानेर में उससे अलग तस्वीर बीजेपी के लिए उदयपुर में नहीं है। अशोक, अजमेर की क्या कुछ जो है स्थिति है आज के दिन को लेकर, वहां पर क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उपाध्यक्ष के पद को लेकर? बिल्कुल, अजमेर की बात करें तो इस वक्त हम पुष्कर नगर पालिका खड़े हैं जहां पर आपको बता दें तीनों ही जो नगर निकाय हैं उनके लिए बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बीजेपी की बात करें तो ब्यावर में ऋषभ चंद को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं पुष्कर में शिव स्वरूप महर्षि को अपना उम्मीदवार बनाया गया है तो नसीराबाद में शंभू को अपना उम्मीदवार बनाया है। अजमेर की पुष्कर की बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच इस मतदान को यहां पर आयोजित करवाया जा रहा है। सुरक्षा की बात करें तो एडिशनल एसपी खुद यहां पर मौजूद है, इतनी यहां पर सुरक्षा मुस्तैद की गई है कि अलग अलग जो अधिकारी है वो यहां पर मौजूद है। एडिशनल एसपी से हम खुद बातचीत कर लेते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। सर, यहां पर इस विशेष चुनाव का क्या महत्व है? सर, सभापति का चुनाव कल हो गया था और उसके बाद उस सुरक्षा व्यवस्था को निरंतर रखा गया है, क्योंकि अपन जहां खड़े हैं मतदान स्थल नगर पालिका पुष्कर है, वहां से लेकर के जहां से ये पार्षद आएंगे वहां तक कि सभी जगह जो पॉइंट है, कॉर्नर है, बाजार का हिस्सा है, जो हम मानते हैं कि संकड़ी है जहां कुछ संभावनाएं हो सकती है बदमाशी की, वहां सभी तरह के पुलिस की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, विश्वास है सुरक्षा इंतजाम में सफलतापूर्वक मतदान होगा। ये बता रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच इस चुनाव को आयोजित यहाँ पे करवाया जा रहा है, पुष्कर क्यों महत्व है इसके लिए हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या है ऐसा जो पुष्कर में इतनी सुरक्षा व्यवस्था की है, पहली बार जो है बाजार बंद किए? ये एक ऐतिहासिक चुनाव रहा अशोक जी, नगर पालिका के चुनाव में इससे पहले ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि इस बार भाजपा के एक बागी उम्मीदवार रविकांत पाराशर ने निर्दलीय फॉर्म भरा जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया, उसके अंदर 12 और 13 मतों का अंतर रहा। ऐसे में आज का जो उपाध्यक्ष का चुनाव है वो भी रोचक होने जा रहा है। भाजपा ने एक तरफ अपने पत्ते खोलते हुए 3 बार पार्षद रहे शिव स्वरूप महर्षि, जिनकी सत्ता और संगठन दोनों में मजबूत पकड़ है, ऐसा उम्मीदवार उतारा है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। तो इस तरह से पुष्कर की ये बात बताए थे, ऐसे ही ब्यावर में जो है कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है लेकिन वहां पर भी जो है अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं। इसी तरह नसीराबाद में भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है लेकिन वहां पर भी 10-10 का जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ था उसके बाद लॉटरी से अध्यक्ष चुना गया था। इसी तरह से तमाम स्थानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया जा रहा है, यानी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहां पर कड़ी की गई है। कोटा में क्या कुछ स्थिति है? मुकेश सोनी हमारे साथ है यहां पर, कोटा का कल हमने भी स्थिति देखी थी, ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग यहां पर आएगा, कांग्रेस बहुत बेहतर सिचुएशन में वहां पर थी। आज उपाध्यक्ष पद को लेकर क्या कुछ हालात हैं और प्रक्रिया कब तक जो है शुरू हो जाएगी? बिल्कुल सुमित, देखिए लगभग 10:15 बजे का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक कोई जो है सुगबुगाहट यहाँ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो है अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं की गई है लेकिन हरिओम पुरी का नाम जो है वो संभावित बताया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है। इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कितने उम्मीदवार जो है वो दावेदारी करते हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से कम 2 लोग हैं जो उपाध्यक्ष के लिए दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि मान मलोहल का दौर जारी है, बीजेपी जो है कांग्रेस की जो स्थिति को देखते हुए अपने पत्ते खोलेगी, कुछ समय बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी कि 10 और 11 के बीच में कितने लोग जो है उपाध्यक्ष के लिए नामांकन करते हैं। अगर सिंगल आदमी नामांकन करता है कांग्रेस की तरफ से तो हो सकता है कि मतदान ना हो, अगर 2 लोगों की तरफ से नामांकन होता है तो मतदान जो है वो होना होगा, उसके बाद जो है बीजेपी अपना पत्ते जो है वो खोलेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 10:15 बजे का वक्त हो चुका है, अभी तक किसी भी तरीके की जो है नजर नहीं जी।
यानी बहुत ज्यादा जो है तस्वीर बदलती यहां पर नजर नहीं आ रही है और कल से बहुत ज्यादा चेंजेस यहां पर आ जाएंगे इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। रौनक, अगर हम बीकानेर की बात कर रहे हैं क्योंकि तस्वीर पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ पलटती हुई दिखती है और कल की भी हमने स्थितियां देखी वहां पर, हालांकि जैसे 49 निकाय का जिक्र किया गया था, कांग्रेस की तरफ से भी अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया गया था, उपाध्यक्ष पद को लेकर भी पूरी दावेदारी कांग्रेस की तरफ से होगी आज? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस तरह से उपमहापौर को लेकर, उपाध्यक्ष को लेकर जिस तरह की जो खबरें लगातार आ रही हैं हम अपडेट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अगर बीकानेर की राजनीति की अगर बात की जाए, चूंकि कल जिस तरह के परिणाम सामने आए वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खुशखबरी भरे रहे और जो जश्न है पूरे राजस्थान में कांग्रेस का देखा गया लेकिन बीकानेर में बीजेपी का जश्न है वो देखा गया। अगर यहां पर हम बात करें आज के उप महापौर के चुनाव को लेकर बात करें तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपनी पूरी तरह से जो है वो कमर कस ली। अगर बात की जाए जावेद परिहार, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता रहे नगर निगम में पिछले 5 सालों से, उसके बाद आज जिस जो है उप महापौर के लिए नामांकन दाखिल करेंगे इस तरह की जो खबर लगातार आ रही है, हालांकि कुछ ही देर में जावेद परिहार और बाकी जो कांग्रेस के नेता है वो यहां पहुंचने की खबर जो है वो भी सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार बीडी कल्ला जो है इस पूरे चुनाव के दौरान सक्रिय नजर आए और जो सहमति है वो हालांकि किस नेता पर बनी है कांग्रेस की तरफ से ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने यह साफ किया है कि उप महापौर के लिए पूरी तरह से जिस तरह से महापौर के पद के लिए उन्होंने फाइट की है वैसे ही फाइट करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा पूरी तरह से नहीं की है लेकिन जिस तरह की खबरें जी मीडिया के पास सूत्रों के हवाले से हम लगातार बता रहे हैं कि राजेंद्र पवार के नाम पर बीजेपी में सहमति बनी है, क्योंकि आप देखिए कि माली समाज जो है राजेंद्र पवार को अगर चुना जा रहा है तो सबसे ज्यादा क्या कुछ उनके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए सबसे पहले तो सुमित ये समझना होगा क्योंकि बोर्ड अब बीजेपी का है, मेयर अब बीजेपी के है और उनके पास संख्या भी अब ज्यादा है, ऐसे में ये माना जा सकता है कि उपमहापौर भी अब बीजेपी का ही हो। लेकिन अब किस तरह से वोटिंग होती है, क्रॉस वोटिंग होती है, क्योंकि देखिए महापौर के लिए जब चुनाव होते हैं तब परिस्थितियां अलग होती है और उपमहापौर के लिए परिस्थितियों में कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो पहले भी देखा गया चुनाव के दौरान, लेकिन आज की जो परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं बीजेपी यहां पर उपमहापौर के जो सीट है उस पर भी जीत हासिल कर सकती है। राजेंद्र पवार की हम लगातार बात करें 49 नंबर वार्ड से जीतकर राजेंद्र पवार आते हैं क्योंकि माली समाज के तौर पर ज्यादा वोट बीकानेर विधानसभा जो पश्चिम विधानसभा में है उसमें बहुत ज्यादा है और माली समाज के चलते बड़े चेहरे के तौर पर उन्हें उपमहापौर का जो कहा जा रहा है कि उम्मीदवार बनाया गया है और उपमहापौर बनाने की जो बात है वो भी सामने आ रही है। बिल्कुल, यानी कि जो स्थिति है वो ये कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो एक्सक्लूसिव जानकारी माफ कीजिए हम आप तक जो है पहुंचा रहे हैं राजेंद्र पवार पर उपमहापौर के तौर पर जो जिम्मेदारी यहां पर दी जा सकती है। अविनाश, अगर हम उदयपुर को समझने की कोशिश करें क्या कुछ सरप्राइजिंग कुछ हो सकता है, क्योंकि कल भी देखा कुछ जगहों से खबरें आई, मसलन जैसलमेर का अगर यहां पर जिक्र करें, क्रॉस वोटिंग हमने देखी थी, उपाध्यक्ष के पद को लेकर कुछ ऐसी स्थिति दिखती है, जयपुर यहां पर क्या कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जो सिचुएशन से कुछ बदलती हुई नजर आए उदयपुर में? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में इस कशमकश यह था कि भाजपा की तरफ से प्रत्याशी किसको बनाया जाए। ताराचंद जैन और पारस सिंह दो नाम जो थे वो लगातार चल रहे थे, दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुभवी नेता है, लेकिन देर रात तक इस नाम पे किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई और सुबह पारस सिंह नाम पर मोहर लगी और मैं वो नजारा दिखाऊंगा कि पारस सिंह यहाँ पे नामांकन भरने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और तमाम जो लोग जो है वो उनको बधाई यहाँ पे दे रहे हैं, भाई साहब बधाई आपको, बीजेपी ने उपमहापौर का प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, उदयपुर की जनता का और मेरे कार्यकर्ताओं का जो अटूट प्रेम मेरे प्रति दर्शाया है उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल इस उदयपुर की महान जनता की सेवा करके मेरी पार्टी का आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में और पार्टी के पूरे संगठन के शीर्ष नेतृत्व का कर्जा उतारने का प्रयास करूंगा कार्य के माध्यम से। जब दो नाम थे आपका था ताराचंद जी इनका था, लगातार कशमकश थी, रात तक सहमति नहीं बन पाई, सुबह आपका नाम घोषित किया गया, इतना समय और फिर आपका नाम क्या? नहीं, इस बारे में तो संगठन का जो भी निर्णय है सिरोधार्य है, जो भी आज दिन तक संगठन ने जो कहा है उसकी पालना की है और इस बार भी मैं संगठन के आदेश की पालना कर रहा हूँ। लंबा अनुभव आपका नगर निगम में है, इस बार महापौर जो बने हैं वो प्रशासनिक अधिकारी का अनुभव है और आप में नगर निगम में पार्षद रहने का हुआ 4-5 बार का अनुभव, किस तरह से आप दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे उसको लेके क्या आपकी स्ट्रेटजी? नहीं, कांत साहब का बहुत ही लंबा अनुभव है, उन्होंने वर्षों तक अधिकारी रहकर
पीडब्ल्यू डी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हम सभी पार्षदों को मिलेगा और उनके नेतृत्व में इस बोर्ड में हम नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। गुलाब जी भाई साहब जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री जी, हमारा पूरा संगठन जिस तरह से पिछले 5 बोर्डों में काम किया है उससे अधिक प्रभावी होकर यह बोर्ड काम करेगा, क्योंकि एक अनुभवी महापौर इस बार निश्चित रूप से बने हैं, पहली बार जो बारीकी से हर चीज को देखकर काम करेंगे, जिसका फायदा उदयपुर की महान जनता को। नामांकन कितनी बजे भर रहे हैं? अभी 11 बजे भर। बिल्कुल, तो 11 बजे का समय जो है मुहूर्त देखा गया उसको लेके यहाँ पर बिल्कुल यानी नामांकन जो है वो यहाँ पर दाखिल किया जाएगा। और जिस तरीके का जानकारी आपने यहाँ पर दी कि पूरी यहाँ पर चल रही थी और आखिरकार जो मुहर है वो भी नाम पर यहाँ पर लग गई है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। लेकिन आज महत्वपूर्ण चुनाव, उपाध्यक्ष का जिस तरीके गहमा गहमी कल हमें मुखिया जब चुना गया यहाँ पर निकाय का उसे देखने को मिली थी, तो वहीं आज भी पूरी तरीके से इस तरीके की तैयारियां हैं।